वो रूस का टॉप स्कूल है जहाँ जासूसों और राजनयिकों को शिक्षा दी जाती है। लेकिन ठीक 4 साल पहले उसी शिक्षा भवन से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने चौतरफा कोहराम मचा दिया था। शिक्षा भवन में वो हुआ जिसने मानवता को ही शर्मसार कर दिया। हालांकि वहाँ पढ़ने वाले हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, लेकिन वो भी जुर्म कर खुद को यूं बचाते हैं मानो गलती उनकी थी ही नहीं। और तो और, जुर्म के बाद तो मानो बड़े बाप की औलाद को बचाने वालों की झड़ी लग जाती है। लेकिन कहते हैं ना, क्राइम नेवर पेज, तो यहाँ भी वही हुआ। दरअसल ये वारदात साल 2018 में हुआ था, जहाँ 21 साल की स्टूडेंट टोमरेस बेसफा को रूस के हाई प्रोफाइल जासूसी स्कूल की खिड़की से बाहर फेंक दिया गया। और फिर अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा था, लेकिन इसी बीच लड़की की हालत नाजुक होती गई और ठीक 1 महीने के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि टोमरेस को उनके स्कूली दोस्त मुर्तुज ने खिड़की से बाहर धकेल दिया था, जो कि 40 फीट की ऊंचाई पर था, जिसके बाद उसने अस्पताल में दम तोड़ दिया। खबरों की माने तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और अच्छे दोस्त भी थे। इनकी दोस्ती जल्द ही प्यार में बदल गई और 26 साल की मुर्तुज और टोमरेस बेसफा दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। तभी एक दिन स्कूल में ही दोनों में कहासुनी हो गई और बात इस कदर आगे बढ़ी कि प्रेमी ने प्रेमिका की जमकर पिटाई कर दी। इतने पर भी आशिक नहीं रुका और गुस्से में बौखलाए शख्स प्रेमिका को 40 फीट नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल ये केस जितना सीधा दिख रहा है वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आपको बता दें कि आरोपी मुर्तुज रूस के पूर्व प्रधानमंत्री मुख्तार मेदजिदोव का बेटा है। वहीं जहां ये वारदात हुई वो रूस का टॉप स्कूल है जो जासूसों और राजनयिकों को प्रशिक्षित करता है। बहरहाल इस केस की लड़ाई लड़की की माँ ने अपने दम पे लड़ा। पहले तो निचली अदालत ने केस में लड़के को बेकसूर ठहरा दिया था, लेकिन माँ की जिद ने आखिरकार लड़की को न्याय दिलवाया, जिससे टोमरेस के साथ न्याय हुआ और एक माँ की लड़ाई सफल हो सकी। बताते चले कि फैसला मृतिका की मां द्वारा न्याय के लिए चलाए गए एक अभियान के बाद आया, जिसने रूस की न्यायिक अराजकता का विरोध किया था। क्योंकि 1 साल पहले ही इस केस में लड़की को निचली अदालत द्वारा बरी कर दिया गया था, लेकिन मां की मेहनत रंग लाई और मेदजिदोव को हाल ही में 13 साल की सजा सुनाई गई। मेरी बेटी को बिल्कुल बीमार और मानसिक रोगी बताया गया। कई फॉरेंसिक रिपोर्ट को नजरअंदाज किया गया। केस के हाई प्रोफाइल होने के नाते मुझे बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। सच की लड़ाई बिल्कुल आसान नहीं होती, लेकिन मैंने ठान लिया था कि बेटी को न्याय दिलाकर रहूंगी। यहां तक कि मां ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और बड़े नेता कासिम जोमरेट टोकायव से न्याय की अपील की थी। मां ने हर वो दरवाजा खटखटाया था जहां से उसे न्याय की दरकार थी। इतना तक कि फॉरेंसिक सबूत जुटाने के लिए विक्टिम की मां जासूस तक बन गई। उसकी बच्ची के केस में हाई प्रोफाइल नाम होने की वजह से उसे दर दर की ठोकरें खानी पड़ी थी, लेकिन मां का कलेजा ठंडा होने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि मां ने दावा किया कि निचली अदालत ने जानबूझकर उसकी बेटी के खिलाफ ऑर्डर पास किया था, जो बिल्कुल पक्षपाती निर्णय साबित हुआ। जबकि डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट से साफ साफ लिखा था कि कैसे उसने उसकी बेटी को मारा, उसके हाथों की बाहों को बुरी तरह से कुचला। इतने के बावजूद आरोपी नहीं रुका और लड़की को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस केस में आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट भी हुआ था, जिसे सच सामने आया और आरोपी लड़की को सजा सुनाई गई,